हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं सिवाड़ा पे ब्रिज बन रहा है, जिसका कि एकदम लेटेस्ट अपडेट है। इसका रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है, मैं बहुत सर्च किया लेकिन नहीं मिला। लेकिन चलिए मैं वर्क दिखाता हूं, फिर कभी डिटेल भी दूंगा। तो ये ब्रिज का देखिए वर्क चल रहा है। हालांकि इस ब्रिज की लेंथ की बात करूँ तो अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर का लेंथ रहेगा, जो कि नेवरा दनियावा या फिर नेवरा दानापुर रोड पे ये ब्रिज बन रहा है। ऐसे सिवाला नवतपुर रोड पे या फिर दानापुर दुल्हीन बाजार वाला पाली वाला रोड पे ये बन रहा है। तो देखिए इसका वर्क अपडेट, और देखिए काफ़ी सरिया का काम किया जा चुका है। ये 2 महीना का वर्क है, क्योंकि 2 महीना पहले आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था। काम बहुत दूर तक खींचा हुआ है। वो सामने जो देख रहे हो बहुत दिन से काम हुआ है, लेकिन इसका काम अभी हाल ही फिलहाल बहुत दूर तक खींचा हुआ है। कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से पूछने का, कंपनी का नाम पूछने का। पायल का काम कर करके जो है कि पियर बाहर निकाला जा चुका है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है हमसे कि हम इसको अपडेट नहीं दे पाए, दिखा नहीं पाए। इस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, देखिए सरिया वगैरह लाया हुआ है, और वो जो है काफ़ी दिनों से काम कर हुआ हुआ है। और एक पियर से दूसरे पियर के बीच जो है कि डिस्टेंस हमें लगता है 20 से 25 मीटर का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये स्टेट हाईवे का ब्रिज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पायल किस तरीके से हुआ हुआ है, बहुत काम हुआ हुआ है यार, हमसे मिस्टेक कर गया, मैं कभी अपडेट नहीं दिया। काम पहले से चल रहा होगा, हमें पता नहीं चला हमें। तो इसे दयाल हाईटेक कंपनी बना रही है, जो कि अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर का लेंथ है इस तरफ से उस तरफ तक का। लेकिन जैसे जैसे इसका वर्क चलेगा मैं अब अपडेट दूंगा, और इसके बनने से जो है कि ये ब्रिज वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, रेलवे क्रॉसिंग वाला। उस साइड तो ऐसे किसी तरह काम नहीं चला था, लेकिन मट्टी वगैरह यहाँ पर ला कर रखा हुआ है, फिर ब्रिज को जो है कि ऐसे कर करके इसमें जोड़ दिया जाएगा, और फिर गाड़ियाँ उस तरफ जाएंगी जो छोटी मोटी बड़ी गाड़ियाँ होंगी इस रूट से। और ये जो सामने देख रहे हैं ये नेवरा दनियावा का या नेवरा दानापुर या फिर पटना मुगलसराय मेन रूट है, या दिल्ली हावड़ा मेन रूट है। और ऊपर में भी देख रहे हैं कि काम हो रहा है। ये पहले से हुआ हुआ है, ये आज की बात नहीं है, एक साल पहले भी कंप्लीट था। हर बार मैं अपडेट दिया हूँ, इन सब रूटों पे मेरा आना जाना लगा रहता है। और ये जो जड़ देख रहे हैं, कभी इस वृक्ष के नीचे मैं बैठ करके हवा खाता था। मैं बिहार का लोकल हूँ इसीलिए हर जगह थोड़ा बहुत नॉलेज लेता रहता हूँ। और ये देखिए कितनी शानदार यहाँ की ब्रिज बन रही है। इसके बनने से जो है कि ये क्रॉसिंग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। सुबह से क्रेनें लगी हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस साइड लगता है कि ज़मीन का मसला फंसा हुआ। इस तरफ ज़मीन बहुत महंगी है, लगभग 50 लाख 60 लाख रुपये कट्ठा है। खेत में होगा अंदर में 20 लाख 30 लाख, लेकिन रोड पे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपये कट्ठा है। सीधे नवतपुर चली जाती है, ये सीधे रेलवे ट्रैक पकड़िएगा तो मुगलसराय चली जाती है। इस साइड जाइएगा तो बक्सर रोड से जाइएगा, इस साइड जाइएगा तो पटना जाइएगा। तो यहाँ पर देख के आपको क्लियर लग रहा होगा कि इसका जो अलाइनमेंट अप्रोच रोड होगा वो खेत से होते हुए कहीं ना कहीं इस साइड से गुजरेगा। तो ज़मीन के लेके ही मसला फंसा हुआ है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, ये तो एकदम क्लियर है। तो चलिए देखता हूँ आगे, कुछ अपडेट होगा तो ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूंगा, देखता हूँ आगे। तो ये सरिया वगैरह जो देख रहे हैं ये ब्रिज का ही काम का है, लेकिन ज़मीन की वजह से यहाँ का काम फंसा हुआ है। ये बाद में या तो इस साइड ये गिरेगा सिवाला रोड, सिवाला नवतपुर वाला रोड में, या सीधे जा करके और बिहटा सिवाला पे, या फिर दानापुर बक्सर वाला रोड में जा करके मिलेगा। जैसा जैसे होगा अपडेट मैं दूंगा, लेकिन यही यहाँ तक का काम अपडेट है जो मैं वर्क आपको दिखा रहा हूँ वर्क अपडेट। चलिए मैं वीडियो को यहीं करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में नए अपडेट के साथ मिलूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।